गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी स्टडी अबाउट कैलकुलेटिंग डिवाइस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था. तो हमने कल कौन सा स्टडी किया था, अबेकस के बारे में स्टडी किया था. तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो क्या है, हमारा नेपियर बोन्स. उसका नेम क्या है, नेपियर बोन्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे बेसिकली. तो नेपियर बोन्स को कब प्रपाउंडेड किया गया था, 1616 में प्रपाउंडेड किया गया था. किसने प्रपाउंड किया था, सर जॉन नेपियर ने प्रपाउंडेड किया था. ये क्या था, एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस था. मैं इसकी आपको सबसे पहले पिक्चर दिखाती हूँ, नेपियर बोन्स की पिक्चर. ये हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो अबेकस के बाद में आया था, जिसको किसके नेम से जानते हैं हम, इसको जानते हैं हम नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं. हमारा क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसको हम नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं. इसको कब प्रपाउंडेड किया गया था, 1616 में इसको प्रपाउंडेड किया गया था. किसने प्रपाउंड किया था, सर जॉन नेपियर ने प्रपाउंडेड किया था. इन 1616 सर जॉन नेपियर मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस. देखो अब आपके शॉर्ट टर्म शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे वन मार्क्स के. तो नेपियर बोन्स कब प्रपाउंड किया गया था, 1616 में प्रपाउंडेड किया था. किसने किया था, जॉन नेपियर ने प्रपाउंडेड किया था. ये क्या एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस है. कैलकुलेटिंग का मतलब जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है ना, 2 × 4 कॉल्ड है नेपियर बोन्स, जिसको किस नेम से जाना जाता है, नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं. जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिशन. एडिशन का मतलब क्या होता है, हम जिसमें प्लस कर सकते हैं, ठीक है, प्लस कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम माइनस कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डिवीजन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं. ऑफ नंबर्स, किसकी कर सकते हैं, नंबर्स की करेंगे, ठीक है. दिस डिवाइस वॉज कॉल्ड अ नेपियर बोन्स. इस डिवाइस को किस नेम से जाना जाता है, नेपियर बोन्स के नेम से जानते हैं. बिकॉज इट हैड मल्टीप्लीकेशन टेबल्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड और कर्व्ड बोन्स. इसके ऊपर जो नेपियर बोन्स जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन टेबल्स बनाई गई, इंस्क्राइब की गई हैं. और ये स्ट्रिप्स किस चीज़ की बनी हुई है, वुड से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, कर्व्ड बोन से बनी हुई है, ठीक है. हमने क्या स्टडी किया अभी, नेपियर बोन्स के बारे में स्टडी किया. नेपियर बोन्स क्या एक हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस है. इसको कब प्रपाउंड किया गया, 1616 में प्रपाउंडेड किया गया था, ठीक है. ईयर में प्रपाउंडेड किया था 1616 में. किसने प्रपाउंडेड किया था, सर जॉन नेपियर ने प्रपाउंडेड किया था. जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं. अब किसकी करेंगे, नंबर्स की करेंगे हम, ठीक है. ये था नेपियर बोन्स. जो नेपियर बोन था फर्स्ट डिवाइस बोन था जो किससे बना होता, स्टिक टाइप थिंग से बना हुआ था. नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, पास्कलाइन. नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है हमारा, पास्कलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमने कल किसके बारे में स्टडी किया, बेकस. टुडे किसके बारे में स्टडी किया, आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, नेपियर बोन्स. अब किसके बारे में डिस्कस करें, नेक्स्ट है हमारा पास्कलाइन. देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पिक्चर शो हो रही है पास्कलाइन की, ये पिक्चर है, ठीक है. जूम करके दिखाते हैं पास्कलाइन की पिक्चर को. देखो ये क्या है हमारा पास्कलाइन, जो नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था. अब पास्कलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं. इसको कब प्रपाउंडेड किया गया था, 1642 में प्रपाउंडेड किया था. किसने प्रपाउंडेड किया था, ब्लेस पास्कल ने. नेपियर बोन्स, सर जॉन नेपियर ने, जिसको हम किसके नेम से जानते हैं, नेपियर बोन्स के नेम से जानते हैं. और पास्कलाइन किसने प्रपाउंडेड किया, ब्लेस पास्कल ने. पास्कलाइन से ही याद हो जाएगा, ब्लेस पास्कल, पास्कलाइन, पास्कल ने प्रपाउंडेड किया था. कब प्रपाउंडेड किया था, 1642 में प्रपाउंडेड किया था, ठीक है. ये क्या थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. जैसे हम हिंदू हैं पढ़े ना, हम इंडियन पीपल हैं, हिंदू लोग हैं, तो वो कौन था, ब्लेस पास्कल कैसे थे, फ्रेंच के थे वो, ठीक है, मैथमेटिशियन थे. इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड द पास्कलाइन. उन्होंने एक मशीन को इन्वेंट किया, इन्वेंशन किया, उसको बनाया, जिसको किस नेम से जानते हैं, पास्कलाइन के नेम से जानते हैं. इट कंसिस्टेड ऑफ बॉक्स विद 8 मूवेबल व्हील्स. इसके ऊपर व्हील्स बनी हुई है, देखो छोटे छोटे व्हील्स बने हुए हैं, चक्कर बने हुए हैं. आप अपनी बुक्स में देखना, आपके पास बुक्स होगी उसमें देखना, छोटे छोटे व्हील्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे सर्कल पहिए से बने हुए हैं. इसके ऊपर क्या बने हुए, 8 मूवेबल व्हील्स बने हुए हैं. यूजिंग द पास्कलाइन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर एज बिग हंड्रेड्स थाउजेंड्स कुड बी इजिली डन. जैसे हमने नेपियर बोन्स में पढ़ा था कि नेपियर बोन्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसकी, नेपियर बोन्स की, नंबर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं. वैसे ही यहाँ पे पास्कलाइन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और
डिवाइड भी कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं, नंबर्स की। बिग बिग कैलकुलेशन कर सकते हैं, हंड्रेड्स में भी कर सकते हैं, थाउजेंड्स में भी कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? पास्कल लाइन। पास्कल लाइन को कब इन्वेंट किया गया? 1642 में। किसने किया? ब्लेस पास्कल ने। वो क्या थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिसके ऊपर क्या बने हुए हैं? एट मूवेबल व्हील्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, एट मूवेबल व्हील्स किस कैलकुलेशन डिवाइस में बने हुए हैं? किस में बने हुए हैं? पास्कल लाइन में। किसने प्रपाउंड किया, किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने बनाया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी ईजिली कर सकते हैं। डू यू नो पास्कल फादर वो सुप्रिटेंडेंट इन द टैक्स ऑफिस ऑफ द रोयन। जो हमारे पास्कल के जो हैं वो किसके फादर थे? सुप्रिटेंडेंट थे, वो टैक्स ऑफिस के अंदर थे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ही हैड टू वर्क डे एंड नाइट। वो क्या करते थे? दिन रात काम करते थे, मेहनत करते थे। अगर हम भी दिन रात मेहनत करेंगे तो हमारे भी तो मार्क्स अच्छे आएंगे ना, तो आप भी अच्छे से पढ़ा करो। पास्कल वॉन्टेड टू हेल्प हिज फादर इन दिस वर्क। ठीक है, जो पास्कल के फादर थे वो क्या थे? टैक्स ऑफिस के अंदर काम करते थे, रोयन थे। और उसके पास वो क्या करते थे? दिन रात काम करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? और फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस की कैलकुलेशन करते थे दिन रात। एंड हेल्प हिज फादर, पास्कल ने क्या किया? अपने फादर की हेल्प की उनके काम में। सो ही मेड दी मशीन। इसलिए उन्होंने क्या बना दी? एक मशीन बना दी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पास्कल लाइन के नाम से जानते हैं। तो आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया है? नेपियर बोन्स के बारे में और पास्कल लाइन में के बारे में। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। थैंक यू।